ये एक्सेल में कई बार हमारे पास कुछ दिक्कतें आती हैं, उनको डील करने के लिए कस्टमाइजेशन का यूज किया जाता है। तो पहली दिक्कत क्या ठीक आती है है। हमारे पास, जैसे हम कुछ भी चीज टाइप करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे एक छोटी सी मिनी टूल बार दिख रही है। मान लीजिए किसी तरह से ये मिनी टूल बार आपकी आती नहीं, हालांकि बहुत कम यूज करते हैं इसको, पर जो इसको यूज करते हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए नहीं आ रही है तो कहाँ से आएगी। हम ऑफिस बटन है, आप राइट ऑफिस बटन पे क्लिक करके आएंगे तो एक्सेल ऑप्शन खुलता है। एक्सेल ऑप्शन के अंदर वो सारे ऑप्शन होते हैं जिससे हम कोई भी दिक्कत एक्सेल की ठीक कर सकते हैं। ठीक है जी, तो शो मिनी टूल बार को मैंने यहाँ से अनचेक कर दिया और अब मैं ट्राई टाइप कर रहा हूँ और इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो कोई टूल बार नहीं दिखा रहा। ठीक है जी, तो मतलब है जब भी वो अनचेक रहेगी वो नहीं आएगी। इसको मैं चेक कर देता हूँ, वापस ओके कर देता हूँ। अब टाइप करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ और ये दिखा रही है। ठीक है जी, उसके बाद हम कोई किसी भी चीज को सिलेक्ट करते हैं या कोई भी कलर चेंज करना चाहते हैं, जैसे ही जाते हैं तो आपको यहाँ पे लाइट अभी हमने कलर किया है और हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कि वो कैसा दिखेगा। ठीक है जी, इसको कहते हैं लाइव प्रीव्यू। मान लीजिए लाइव प्रीव्यू किसी तरह से डिसेबल हो गया आपके पास, तो हम एक्सेल ऑप्शन में जाके इनेबल लाइव प्रीव्यू से इसको इनेबल कर सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है, दूसरा चीज वीबीए के लिए हमें डेवलपर बार की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे डेवलपर बार है, जब हमें मैक्रो प्रोग्रामिंग वगैरह करना होता है तो डेवलपर बार की जरूरत पड़ती है जिसके अंदर हम सकते हैं या मैक्रो देख सकते हैं। तो अभी आपकी स्क्रीन पे आप एक्चुअल में ये चीज नहीं आ रही होगी, तो उसको लाने के लिए क्या करना है, आप ऑफिस बटन में ऑप्शन में जाइए और यहाँ पे शो डेवलपर टैब इनेबल का ऑप्शन है, इसको चेक कर दीजिएगा। जैसे ही आप चेक करेंगे तो आपकी डेवलपर टूल बार यहाँ पे आ जाएगी। रुपये जी, कैसे हैं? ठीक है सर। अच्छा, मैं ये कह रहा था आपने लास्ट क्लास कौन सी अटेंड की थी, एडवांस पेस्ट स्पेशल वाली? आपने दो क्लास अटेंड की है ना वैसे अभी तक? हेलो सर मेरे को बोल रहे हेलो, क्या? रुपये जी को पूछा। हाँ हाँ सर, मैं तो दो क्लास अटेंड किया था सर। अच्छा, तो कस्टमाइजेशन शॉर्टकट कर दिया था ना? शॉर्टकट शॉर्टकट हो गया था, कस्टमाइजेशन के कुछ हाफ पार्ट हुआ था सर। हाँ, पार्ट हुआ था तो मैंने शुरुआत किया है कस्टमाइजेशन से, जिसको मैं पूरा करूंगा उसके यस बाद सर। मैं इनको शॉर्टकट बताऊंगा। ठीक है जी, तो जब आपका ठीक है सर, थैंक कस्टमाइजेशन पूरा हो जाए तो आप चाहें तो मतलब लीव कर सकते हैं या फिर रह सकते हैं वापस शॉर्टकट्स के लिए। ठीक है जी, ठीक है सर, थैंक यू सर। उसके बाद हम फिर फ्लो में आगे बढ़ेंगे। ठीक है सर, इनको भी देख लेता हूँ ये कहाँ रह गए। एक्सेल ऑप्शंस के आगे नहीं हट हट रहा है, वो हट ही नहीं, हट ही नहीं है इसके। स्क्रीन जब आपने R1C1 को एनेबल करा था, टिक मार्क करा था, उसके बाद ओके जो करा है उसकी स्क्रीन हटी नहीं है। अच्छा, तो सबके साथ ऐसा हो रहा है कि आप ही के साथ हो रहा है? हाँ जी, अब हो गया सर। तो R1C1 में क्या होता है, देखिए मैं दोबारा से करता हूँ। इक्वल टू कर दिया मैंने और यहाँ मैंने कोई सेल सिलेक्ट की और इसमें उसका कोड बता रहा है। अब ये R1C1 में बताएगा आपको, अगर मैं इसी सेल पे वापस ले जाता हूँ इसको, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है रो 0 कॉलम 0। नीचे बढ़ाता हूँ रो में एक बढ़ा मैं, तो रो 1 कॉलम 0। इधर बढ़ा तो रो 1 कॉलम 1। इसी तरह से जब मैं माइनस में जाऊंगा, अभी क्या कर रहा हूँ मैं रो के कॉलम के माइनस में जा रहा हूँ, तो कॉलम -1 दिखा दिया यहाँ पे, -2 -3। इसी तरह से जब रो के माइनस में जाऊंगा यानी ऊपर साइड इस वक्त से, तो वो माइनस में दिखाएगा। तो इसको कहते हैं रिलेटिव रेफरेंस, यानी कि ये जो रेफरेंस है रिलेटेड है इस सेल के। ठीक है जी, अभी आपने रो माइनस कॉलम माइनस भी देखा और यहाँ पे अगर मैं उसी सेल का रेफरेंस देता हूँ तो कुछ -5 -4 तो अलग अलग इसमें दिखाता है। इसको हम रिलेटिव रेफरेंस बोलते हैं। इसको कहाँ यूज किया जाता है? वीबीए में, क्योंकि वीबीए में आप देख के क्लिक नहीं कर सकते उसको, तो बोलेंगे कि यहाँ से पांचवी सेल में जाओ
और फिर यहाँ से सबसे ऊपर चले जाओ जहाँ वैल्यू है, तो इस तरीके से आता है, ठीक है जी। उसको हम डायरेक्टली नहीं दे सकते कि A1 में, मतलब A1 में जा सकते हैं, बट मुझे सिलेक्शन कराना है, तो यहाँ पर रिलेटिव रेफरेंस यूज होगा इसका। जब BBA करेंगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी इस चीज के बारे में, ठीक है जी। तो रिलेटिव रेफरेंस इसमें एक नेक्स्ट चीज है। दूसरा फॉर्मूला ऑटो कम्प्लीट होता है। फॉर्मूला ऑटो कम्प्लीट क्या होता है कि जैसे मैं वी लुकअप लगा रहा हूँ और वी लुकअप आ गया, जैसे ही मैं टैब प्रेस करता हूँ तो ऑटो कम्प्लीट होके आ जाता है। अगर ये फीचर आपका नहीं आ रहा है तो मे बी आपका जो ये फार्मूला के अंदर है और फार्मूला ऑटो कम्प्लीट जो है नहीं चल रहा, अनचेक है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग होती है इसमें एरर चेकिंग। तो आप देखते हैं कि जब भी आप कोई जैसे चेक नंबर वगैरह डालते हैं पोस्ट ऑफिस के साथ, मैंने कोई भी चेक नंबर डाला जो कि जीरो से स्टार्ट है, यानी कि अगर मुझे यहाँ पे जीरो लिखना है, कुछ नंबर लिखने हैं, तो मुझे अपोस्ट्रोफी लगाना पड़ता है ताकि जीरो मेंटेन रहे। अदरवाइज क्या होता है, मैं नॉर्मल जीरो लगा के लिखना चाहता हूँ तो यहाँ पे जीरो नहीं दिखाता, अपोस्ट्रोफी लगाना पड़ता है। तो ये ग्रीन एरर देख रहे हैं, इसको देखने के लिए और डिटेल में यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे तो एक एरर नंबर स्टोर्ड एज ए टेक्स्ट, अगर इसको करना चाहते हैं इग्नोर एरर करेंगे तो उसको छोड़ देगा, कन्वर्ट नंबर करेंगे तो वापस नंबर में कन्वर्ट कर देगा। तो बेसिकली ये जो ग्रीन साइन दिखा रहा था आपको, वो किस लिए दिखा रहा था, क्योंकि यहाँ पे आपका बैकग्राउंड एरर चेकिंग का ऑप्शन सिलेक्टेड है, ठीक है, इनेबल बैकग्राउंड एरर चेकिंग, और ये कलर दिखाएगा उस एरर का। दूसरा उसके कुछ रूल्स है, किस रूल के अंतर्गत उसने दिखाया, नंबर फॉर्मेटेड एज टेक्स्ट और प्रसीडेड बाय एन अपोस्ट्रोफी, अगर इसको अनचेक कर देंगे नेक्स्ट टाइम इसको डालेंगे तो कोई एरर नहीं दिखाएगा। तो एरर के कुछ रूल है, इसको देख सकते हैं। दूसरा प्रूफिंग में, प्रूफिंग में क्या होता है कि कई बार हम मान लीजिए स्पेलिंग गलत कर देते हैं और यहाँ कैपिटल में गलत स्पेलिंग लिखते हैं, तो जब मैं F7 दबाता हूँ तो मेरे को यहाँ पे ये इसका बता रहा है कि यहाँ से इसका सजेशन ये है कि सही स्पेलिंग ये है, इग्नोर वंस किया। अब मुझे बड़े वाले में भी दिखा रहा है कि एरर है। बड़े वाले में क्यों दिखा रहा है, आपके कंप्यूटर में नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा, क्योंकि एक्सेल ऑप्शन में प्रूफिंग के अंदर आपका ये वाला अगर सिलेक्टेड होगा तो इग्नोर वर्ड्स इन अपर केस जो है वो इग्नोर कर देगा। अब मैं F7 दबाऊंगा तो इसको इग्नोर करूंगा तो वो अगला दिखाएगा ही नहीं, ठीक है। तो कैपिटल करने हो तो उसको चेक अनचेक कर, कैपिटल भी अगर चेक कर लें। दूसरी चीज होती है ऑटो करेक्ट ऑप्शन में, हमारे पास यहाँ पे एक सेटिंग होती है रिप्लेस टेक्स्ट एज यू टाइप ऑटो करेक्ट में, मतलब क्या होता है कि कुछ कोड्स आप टाइप करते हैं सच एज या आपने मान लीजिए कभी आपने ब्रैकेट के बीच में कंट्रोल TM लिख दिया, तो ये क्या हो गया, ट्रेडमार्क के साइन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है जी। इसी तरह से कॉपीराइट का करते हैं तो कॉपीराइट के साइन में, मतलब ब्रैकेट में C लिखते हैं तो कॉपीराइट में हो जाता है, मेरे पास नहीं होगा क्योंकि मैंने डिलीट कर रखा है, तो TM का हो रहा है। आप कर लीजिए अपने आप से ताकि डिस्टर्बेंस ना आए और देखते रहिए। तो ऑटो करेक्ट के ऑप्शन में मैंने बताया कि जैसे कि कुछ हम ना चाहते हुए भी ये हो जाता है, मान लो यहाँ पे TM ही लिखना चाह रहा था बड़े में पर ये छोटे में कन्वर्ट हो जा रहा था, मतलब ब्रैकेट में TM लिखना चाह रहा था तो ये छोटे में कन्वर्ट हो जा रहा था, मैं चाह रहा था अभी भी किसका बन सकता वॉइस डिले की प्रॉब्लम आ रही है किसी को, तो? जी सुनाई ठीक दे रहा है, दिखाई ठीक दे रहा है कि प्रॉब्लम है कुछ? हेलो हेलो, हाँ जी सर, शोर की वजह से शायद जो है ना वो आवाज थोड़ा सा डिस्टर्ब होती है। अच्छा, तो हाँ बीच में जैसे एकदम सो रहा था सर जब डिस्टर्ब हो गई थी वॉइस। अच्छा, तो आप अपने अपने नाम के आगे जो ये ग्रीन साइन दिख रहा है ना माइक का, इस पे क्लिक कर दीजिए तो म्यूट हो जाएगा ये,
मैंने तो ऑफ ही करवा देंगे तो किसी को भी डिस्टरबेंस नहीं आएगी, खाली मेरी आवाज सुन पाएंगे। और जब क्या कहते हैं कोई भी क्वेश्चन पूछा हो ना हो तो अनम्यूट करके मेरे से पूछ सकते हैं। रुपे जी आप भी कर लीजिए, नितिन जी आप भी कर लीजिए, क्योंकि बैकग्राउंड वॉइस आती रहती है ना इसमें। नितिन जी सुन पा रहे हैं मुझे? आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। रुपे जी आप सुन पा रहे हैं? मैं सुन पा रहा हूँ सर। हाँ माइक को अपना वो कर लीजिए म्यूट। नितिन जी हेलो, नितिन जी सर अगर आप कर सकते हैं तो आप कर दे सकते हैं तो वो बेहतर है। मैं कर दूंगा ना तो फिर वो फिर कर नहीं पाएंगे ना अपने पास ऐसा। मैं तो सबको एक साथ कर सकता हूँ बट इसमें फिर क्या है कि आप लोग खोल नहीं सकते उसको, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे सारे राइट है। मेरे पास राइट, चलिए फिर मैं आगे करता हूँ, कोई नहीं। अब तो डिस्टरबेंस नहीं आ रही होगी मेरे ख्याल से, कम हो गई। तो ये मैं देख रहा था कि जो अननेसेसरी चेंजेस हो रहे थे इसको मुझे रोकना है, तो मैं कहाँ जाऊंगा, एक्सेल ऑप्शंस में प्रूफिंग में चला जाऊंगा, ऑटो करेक्ट ऑप्शन में चला जाऊंगा और ऑटो करेक्ट में जाऊंगा। तो यहाँ पे मेरे पास ये ऑप्शन है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे पूरी लिस्ट है, ठीक है जी। इसके अकॉर्डिंग ये चेंजेस करता है, ये इससे रिप्लेस होता है, ठीक है जी। तो अगर ये ऑप्शन ऑफ कर देंगे तो ये रिप्लेसमेंट बंद हो जाएगी, रिप्लेसमेंट नहीं होगी, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पे ए करता हूँ मतलब पीएम करता हूँ, अब ये चेंजेस नहीं हो रहे, तो थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं, ठीक है जी। इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं आप अपने काम के लिए, मान लीजिए मैंने डाला एसएस, एंटर किया, ये संदीप कुमार सिंह में बदल गया, केपी डाला केपी शर्मा में बदल गया, ठीक है जी। तो क्या किया मैंने, कुछ वर्ड्स अपनी तरफ से ऐड कर दिए इसमें। कहाँ से ऐड करते हैं, ऑटो करेक्ट ऑप्शन में यहाँ पे टाइप कीजिए और ऐड पे क्लिक कर दीजिए कि क्या लिखूं और किसके साथ चेंज हो जाए, ठीक है जी। ओके करेंगे उसमें आ जाएगा, ठीक है। बाकी एक और दिक्कत आती है हमारे साथ कि जब हम हाइपरलिंक टाइप कर रहे हैं, जैसे कोई मेल आईडी टाइप कर रहे हैं क्या हो रही है, हाइपरलिंक पे चेंज हो जा रही है, मैं एडिट करने जा रहा हूँ इसमें क्लिक हो जा रहा है और मेल कहीं और पहुंच जा रही है। तो ये चीज आप चाहते हैं कि इस तरह की कन्वर्जन ना हो, जैसे facebook.com google.com डालते हैं, इसी तरह से आपने कोई भी एड्रेस डाला तो वो भी कन्वर्ट होता है, ठीक है जी। आप ये चाहते हैं कि इस तरह से हाइपरलिंक की कन्वर्जन ना हो तो आप एक्सेल ऑप्शन में जाके, प्रूफिंग में जाके, ऑटो करेक्ट ऑप्शन में जाके ऑटो फॉर्मेट एज यू टाइप में इंटरनेट एंड नेटवर्क पाथ विद हाइपरलिंक को अनचेक कर दीजिए, ओके कर दीजिए, ठीक है जी। अब कुछ भी टाइप करेंगे और इस तरह का चीज तो वो कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है जी। जो भी चीज आप कर रहे हैं उसको याद से सही कर दें, अदरवाइज आपकी एक्सेल की सेटिंग बिगड़ सकती है, और अगर आप भूल गए तो और दिक्कत है। नेक्स्ट सेव के ऑप्शन देखते हैं कि जब भी मैं फाइल सेव करता हूं तो मेरे सामने एक डायलॉग बॉक्स आता है और यहां पे मुझे उसका फॉर्मेट चूज करना पड़ता है कि एक्सेल का कौन से फॉर्मेट में चूज करना है। तो मेरा आप देख रहे हैं डिफॉल्ट जो आ रहा है एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक आ रहा है। मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक क्या होती है कि उसके पहला तो कोई भी फाइल होती है तो उसके आगे ऐसा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, ये स्पेशल फाइल होती है जो कि हम बीबीए कोर्स के लिए यूज करते हैं ताकि हमारा कोड उसमें रहे, अगर हम उस फॉर्मेट में नहीं सेव करते तो हमारा कोड उड़ जाता है, ठीक है। तो ऐसी दिक्कत ना हो तो इसके लिए मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट में सेट कर रखा है। कहाँ से सेट करेंगे, एक्सेल ऑप्शंस में जाके सेव के ऑप्शन में, यहाँ से, यहाँ सारे फॉर्मेट से जो भी सेट कर लेंगे वो डिफॉल्ट रहेगा। दूसरा सेव ऑटो रिकवर इन्फॉर्मेशन इन 10 मिनट्स, यहाँ से मिनट्स बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे चेक है। इसका मतलब क्या है कि जब आप जैसे काम कर रहे हैं आपने फाइल नहीं सेव किया, क्या हुआ कि आपका सिस्टम शटडाउन हो जाता है, अनएक्सपेक्टेड क्रैश हो जाता है, शटडाउन हो जाता है,
जब आप एक्सेल को दोबारा खोलते हैं तो साइड में ऑटो रिकवर का आता है और वो आपको वैसे ही टेम्परेरी फील्ड दिखाता है, उस पर क्लिक करते हैं तो आपकी फाइल रिकवर हो जाती है। वो इस ऑप्शन के कारण होती है क्योंकि एक्सेल 10-10 मिनट में आपकी फाइल सेव करता रहता है। अगर इसको अनचेक कर देंगे तो नहीं करेगा। इसको कब करेंगे अनचेक? जब हम कोई बहुत बड़ी फाइल खोल रहे हैं जो होती है 10 मिनट में सेव है। अब ऐसी फाइल हमने खोल दी वो 10 मिनट सेव करने में लगा रही है, फिर 10 मिनट हर 10 मिनट में अपने आप सेव हो रही है तो हैंग हो जाएगा कंप्यूटर, ठीक है जी। उसको रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से करेंगे तो सबके लिए बंद हो जाएगा। मान लीजिए किसी ओपन वर्कबुक के लिए करना है तो यहाँ पे आपकी वर्कबुक लिस्ट आ जाएगी जितनी खुली होंगी, और डिसेबल ऑटो रिकवर फॉर दिस वर्कबुक ऑनली को चूज कर सकते हैं। तो उस फाइल के लिए आपका वर्कबुक जो ऑटो रिकवर है वो डिसेबल हो जाए। दूसरा, ऑटो रिकवर की फाइल लोकेशन क्या होती है? लोकेशन इधर है। डिफॉल्ट फाइल लोकेशन क्या है कि जहां आप डिफॉल्ट सेव करना चाहते हैं, जैसे कि मैं अप्रैल दबा रहा हूँ सेव एज दबा रहा हूँ तो आप देख रहे हैं डेस्कटॉप पे जाके खुल रहा है, तो डिफॉल्ट सेविंग लोकेशन वहां पे दे सकते हैं आप। आपको बस इस तरह से देना होगा। लेंगे कहाँ से? जैसे यहाँ से जाके आपको पहले मैनुअली जाना होगा, जैसे यूजर्स में जाके मैं संदीप में गया और डेस्कटॉप में गया और यहाँ से यहाँ इस पर क्लिक करेंगे तो ये लोकेशन यहाँ से कॉपी करके फिर उसको पेस्ट करेंगे। अब चलते हैं अपना एडवांस की ओर। एडवांस में क्या होता है कि जब आप एंटर दबाते हैं तो क्या होता है कि ये नीचे जा रहा है, साइन नीचे जा रहा है, कर्सर नीचे जा रहा है, तो एंटर के कर्सर का जो जाने का आपको रोकना है या बदलना है तो आप बदल सकते हैं वहां से, इसकी अप डाउन राइट लेफ्ट का चूज कर सकते हैं। बेसिकली क्या होता है, जब हम एंटर दबाते हैं नीचे जाता है, टैब दबाते हैं आगे जाता है, शिफ्ट एंटर दबाते हैं तो ऊपर जाता है, शिफ्ट टैब दबाते हैं तो वापस लेफ्ट साइड में मूव होता है, ठीक है जी। तो चारों दिशाओं में मूव हो जाता है। बाय चांस आपके एरो की में कुछ प्रॉब्लम हो तो इस मेथड से आप अपना कर्सर हिला सकते हैं। बाकी और देखते हैं, ऑटोमेटिकली इंसर्ट अ डेसिमल पॉइंट। कभी आपने अगर पीएनबी का एटीएम अगर यूज किया होगा तो उसमें एक ऑप्शन होता है, जैसे आपको 5000 डालने हैं तो क्या होता है कि 5000 ऐसे डालने होते हैं और ऑटोमेटिक से डेसिमल पॉइंट इसके बीच में आ जाता है, यानी कि यहाँ के डेसिमल पॉइंट ऐसे अपने आप लग जाते हैं, ठीक है जी, 5000 हो गया। तो इस तरह का आप चाहते हैं कि आपके मान लीजिए डेसिमल बहुत ज्यादा एंट्री करने हैं और दिक्कत हो रही है, वैसे थोड़ी देर के लिए इसके कर सकते हैं कि ऑटोमेटिकली इंसर्ट का डेसिमल पॉइंट। अब क्या करेंगे, जैसे ही मैं 1203 डाला हूँ तो 12.03 आ, ठीक है जी, 10.45 डाला, 10.45 आया, 10.45 आया, ठीक है जी। तो ये चीज ऑटोमेटिक हो जाती है। मान लीजिए इस तरह की गड़बड़ भी हो गई तो आप यहीं से सही कर सकते हैं इसको। दूसरी एक चीज मैंने बताई थी कि जैसे कई बार मैं वैल्यू ड्रैग करता हूँ तो ये ब्लैक डॉट आता है, इस पर जाता है, क्लिक करता हूँ तो ड्रैग कर सकता हूँ इसको। मान लीजिए ये ब्लैक डॉट ही नहीं दिखा रहा है तो आप ड्रैग कहाँ से करेंगे? तो ये क्यों होता है, क्योंकि हमारा एडवांस में ये जो थर्ड ऑप्शन एनेबल फिल हैंडल एंड सेल ड्रैग एंड ड्रॉप ये ऑफ होता है, तो इसमें ये ब्लैक डॉट नहीं दिखाता, इस केस में आप इसको ड्रैग नहीं कर सकते, ठीक है जी। देन और देखते हैं इसके बारे में। एक बार क्या होता है, कुछ अजीब अजीब सी एरर आती है जो कि आपके इसी में ही मिलेंगी, इसमें हालांकि और ज्यादा है, ग्रिड लाइन का कलर चेंज कर दिया आपने, रेड कर दिया मैंने रेड लाइन का कलर, तो सारी एडवांस में आपको मैक्सिमम मिल जाएंगे। सो मैं ऑटोमेटिक कर देता हूँ, ऑटोमेटिक हो जाएगा वापस ब्लैक, ठीक है। एक मेरा फ्रेंड एक दिक्कत लेके आया था कि जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पे कोई निशान नहीं, जैसे मैं प्रिंट प्रीव्यू वगैरह करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे ये मार्कर से बने आ रहे हैं, ठीक है जी, जो कि प्रिंटिंग के मार्कर है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे मैं जाके पेज लेआउट में सेट प्रिंट एरिया करता हूँ तो ऐसे मार्कर्स बने आ रहे हैं। ये मार्कर चाहता था कि वो मार्कर ना दिखाई दे, हालांकि प्रिंटिंग में नहीं आते पर स्क्रीन पे भी नहीं दिखाई देने चाहिए। क्लियर प्रिंट एरिया किया तो ये मार्कर्स आ गए आपके पेज पे, मार्कर्स भी ना दिखाई दे। तो मैंने क्या किया, एडवांस में गया और यहाँ पे इन्हीं ऑप्शन में छोटी छोटी चीजें, बहुत छोटी छोटी,
इसमें गया मैं और ये शो पेज ब्रेक्स है ना, इसको हटा दिया मैं, तो पेज ब्रेक्स नहीं दिखा रहा। ठीक है, इसका ये मतलब ये नहीं कि अवेलेबल नहीं है, है उसी जगह। जैसे आप पेज ब्रेक प्रीव्यू में देखेंगे तो आपको ये दिखाएगा उसी तरह से मार्क कर। ठीक है, यहाँ से नॉर्मल में कर देता हूँ, नॉर्मल में नहीं दिखाएगा। आगे चलते हैं इस बुक के अंदर, कस्टमाइज में देखते हैं। कस्टमाइज में आप देख रहे हैं कि मैंने एक ऑप्शन यूज किया है यहाँ पे, जैसे यहाँ फॉर्मूला कॉपी किया, इधर आया, इसको क्या तो पेस्ट स्पेशल आ गया। मोस्टली पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन यहाँ होता नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे ऐड करते हैं, आप कस्टमाइज में जाके इसको ऐड कर सकते हैं। कस्टमाइज में जाके यहाँ पे आपकी कमांड्स अलग अलग है, किस किस टैब में क्या है। मान लीजिए मुझे पेस्ट एज वैल्यूज ऐड करना है, तो मैं होम टैब में ही है और ये अल्फाबेटिक है, अल्फाबेटिक में पी में आता हूँ तो पेस्ट वैल्यूज का मुझे यहाँ दिख जाता है। यहाँ ऐड कर दिया मैंने, इसको मैंने हटा दिया पेस्ट स्पेशल। तो पेस्ट वैल्यूज करना है, बस मैं इसको कॉपी करूंगा, यहाँ क्लिक करूंगा, जहाँ आना है पेस्ट वैल्यूज, डायरेक्ट वैल्यूज आ जाती है। फॉर्मूला कहने का मतलब है कि आप इसमें कोई भी कमांड यहाँ पे शॉर्टकट में डाल सकते हैं, चाहे फिल्टर हो चाहे कुछ हो। अब तो मेरे पास इसमें शॉर्टकट भी बन जाता है मेरा, वो मैं शॉर्टकट में बताऊंगा आपको। जैसे ऑल्ट की दबाते हैं तो यहाँ पे भी कोड आता है, फोर और ऑल्ट फोर से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इस शॉर्टकट के बारे में अभी समझाऊंगा। देन हमारे पास एडिंग्स आते हैं, हालांकि एक और यूज है इसका, जैसे आप कहीं से बाहर से मैक्रो इम्पोर्ट करते हैं तो वो मैक्रो भी आपको यहाँ दिखाता है, इन मैक्रोज बाहर से करेंगे तो मैक्रोज भी दिखाता है अलग से। ठीक है जी, बाहर से इम्पोर्ट करेंगे तो मैक्रोज को भी शॉर्टकट बना सकते हैं यहाँ पे। दूसरा देखते हैं एडिंग्स। एडिंग्स क्या होते हैं, जैसे हमें मैक्रो इम्पोर्ट करने हो तो एडिंग्स के जरिए कर सकते हैं। मान लीजिए कोई एडिन है, क्या एडिन है वो करते हैं, इसमें ये एडिंग दिए हुए हैं एक्सेल में। जैसे मेरे पास एक है पासवर्ड रिमूवर, ठीक है, ये मैंने बाहर से एडिंग फाइल ऐड करी थी, ब्राउज किया था मैंने और कहीं जाके मतलब वहां से डाउनलोड करके यहाँ एडिंग एक्सेल एक्सटेंशन की फाइल होती, तो यहाँ ढूंढ के मैंने कंप्यूटर में सेव कर रखी है, उसको ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे। तो यह मेरे पास आया एक्सेल पासवर्ड रिमूवर, जैसे ही करा मैंने ओके तो इसकी इस टास्क की एक आ गई। तो इसकी फंक्शनैलिटी थी कि मैं प्रोटेक्शन को तोड़ सकता था। प्रोटेक्शन हम पढ़ेंगे, शीट की कोई भी प्रोटेक्टेड शीट हो तो पासवर्ड तोड़। ठीक है जी, तो इधर से एडिन को बेसिकली इनेबल डिसेबल किया जाता है, यहाँ से मैंने डिसेबल कर दिया इसको, ओके कर दिया तो वो चला गया। ठीक है, अलग से एडिशनल फीचर्स जो होते हैं, हालांकि आपको 2010 में जैसे पावर पाइवट ऐड करना है तो पावर पाइवट आप वहां से ऐड कर देंगे और इनेबल डिसेबल कहां से करेंगे, ये एडिंग्स में जाएंगे। ठीक है, देन हमारे पास ट्रस्ट सेंटर। ट्रस्ट सेंटर में क्या होता है हमारे पास, जैसे इसमें सारी चीजें हैं एडिंग, हम एडिंग को इनेबल करना चाहते हैं, डिसेबल करना चाहते हैं, सारे इसको सिलेक्ट करते हैं, सारे डिसेबल एक्टिव एक्स कंट्रोल। एक्टिव एक्स कंट्रोल कौन से होते हैं, जैसे आपके फॉर्म कंट्रोल होते हैं, फॉर्म कंट्रोल कौन से होते हैं, डेवलपर में जाके यहाँ पे देखेंगे एक्टिव एक्स कंट्रोल है, जो कि VBA से चलते हैं। ठीक है, ये बटन कॉम्बो बॉक्स टेक्स्ट बॉक्स इस तरह के जो होते हैं कंट्रोल, एक्टिव एक्स कंट्रोल करते हैं, उन्हें इनेबल डिसेबल करना चाहते हैं तो ये ट्रस्ट सेंटर में जाके, ट्रस्ट सेंटर सेटिंग में जाके यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। मैक्रो भी इसी तरह इनेबल डिसेबल कर सकते हैं कि मतलब ऐसे ही नए मैक्रो को ऑथराइज करें। ठीक है, मैसेज बार जब कोई कंटेंट ब्लॉक होगा इनमें से कि तो मैसेज बार दिखानी है कि नहीं दिखानी, आपको पता तो पड़ेगा क्या ब्लॉक किया है, तो मैसेज बार दिखाता है यहाँ पे पीवी से लाइट। एक्सटर्नल कंटेंट मतलब किसी बाहर के से डेटा ले रहे हैं, एक्सेस से ले रहे हैं, वेब से ले रहे हैं, किसी एसक्यूएल सर्वर से ले रहे हैं, या फिर किसी एक्सेल की फाइल से ही इसके अंदर पाइवट लगा रहे हैं, तो वो डाटा कनेक्शन करना है नहीं करना है इनेबल डिसेबल करना है। ठीक है जी, तो ये आपके ऑप्शंस हैं इसके अंदर, प्राइवेसी ऑप्शंस में कुछ भी, बाकी रिसोर्स में जनरल इंफॉर्मेशन। ये है आपका कस्टमाइजेशन अब तक का।
अब मैं आपको इसके शॉर्टकट्स के बारे में बताऊंगा कि एक्सेल में शॉर्टकट्स कैसे यूज करते हैं। जिन्होंने कर रखा है एक्सेल शॉर्टकट्स को, वो चाहे तो अभी लीव कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा। बाकी मैं एक्सेल शॉर्टकट्स शुरू करता हूँ। एक्सेल में किस किस तरह के शॉर्टकट यूज होते हैं और कैसे पता पड़ेगा हमें कि कहाँ से शॉर्टकट यूज कर, हमें कैसे पता पड़ेगा? तो मान लीजिए यहाँ पे गया, हेलो मैं गया, हेलो हाँ जी सर बताइए, हेलो हाँ जी सर, सर मैं शॉर्टकट कर लिया था। हाँ शॉर्टकट मेरा हो गया था। हाँ आप लीव कर दीजिए, कल से अपना नया शुरू हो जाएगा, ठीक है जी, क्योंकि कई किस अपने जिनका शॉर्टकट नहीं हुआ है, ठीक है जी। थैंक यू सर, ठीक थैंक यू, कल हम नंबर फॉर्मेटिंग करेंगे, यहाँ पे जो नंबर फॉर्मेटिंग है इसके बारे में। तो आगे मैं कहने जैसे शॉर्टकट यूज करते हैं नॉर्मली कैसे पता पड़ेगा हमें शॉर्टकट, किसी पे भी क्लिक लेके जाएंगे तो आपको टूल टिप के अंदर शॉर्टकट दिखाई देता है, बट हर किसी के अंदर नहीं दिखाई देता। तो एक मेथड ये है कि पहले तो चेक कर लीजिए कि यहाँ शॉर्टकट है कि नहीं, ठीक है जी। शॉर्टकट क्यों यूज करते हैं? मोस्टली हमारा कीबोर्ड जो है अपना माउस से ज्यादा तेज चलता है, ठीक है। तो अगर आप सब चीज कीबोर्ड से करने में महारत हासिल हो जाए तो आपका एक अंदाज ही अलग होता है एक्सेल के अंदर। जैसे कि यहाँ पे आया, मैंने लैंडस्केप किया, पिक्सल बंद किया, पूरा सेट हो गया, एस्केप करके बाहर आ गया, बीपी से पेज ब्रेक मैंने जितना भी सेट करना आल्ट डीएन से वापस आ गया। तो इसी तरह से कोई भी शॉर्टकट लगाना है, पाइवट टेबल लगानी है, मैं सब कुछ शॉर्टकट के थ्रू कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ ये सब मुझे कैसे पता? पहला तरीका तो यह है कि आप माउस को लेके जाइए, स्क्रीन टिप में दिखाएगा। दूसरा, अगर यहाँ पे ना हो तो क्या करना है? ऑल्ट की प्रेस करेंगे अपने पे और प्रेस करके छोड़ देंगे बस। जैसे ही आपने ऑल्ट की कीबोर्ड पे प्रेस की, यहाँ पे आपके कुछ कीवर्ड्स दिखा देगा हर एक में एंट्री करने के लिए। मान लीजिए आपको यहाँ पे बॉर्डर दिखाने हैं, यहाँ पे ऑल बॉर्डर करना है तो आपको होम टैब में जाना पड़ेगा, यहाँ पे जाके ऑल बॉर्डर अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इसको शॉर्टकट के जरिए कैसे करेंगे? ऑल्ट की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे कीवर्ड्स आ गए, ठीक है जी। जो जो हमें टैब एक्सेस करनी है उसका कीवर्ड दबाएंगे, तो एच दबाया, छोड़ दिया, दबा के नहीं रखना है कोई। क्या हुआ? बाकी कीवर्ड एक्सेस हो गए, जैसे बॉर्डर के लिए बी दिखा रहा है नीचे, तो बी दबाया, बॉर्डर खुल गया। ए आया ऑल बॉर्डर्स के लिए, तो ऑल बॉर्डर अप्लाई हो गए। तो ऑल बॉर्डर्स के लिए क्या बना? ऑल्ट एच बी ए, ऑल्ट एच बी ए, बॉर्डर्स आ गए। इसी तरह से मान लीजिए मर्ज इन सेंटर करना है तो क्या करना पड़ेगा? ऑल्ट दबाया हमने, कीवर्ड्स आ गए, मर्ज इन सेंटर यहाँ है, होम में आना पड़ेगा, एच मर्ज इन सेंटर के लिए एम आया, देन ऑप्शन खुल रहा है मर्ज इन सेंटर के लिए सी, सी दबाया तो मर्ज हो गया। इसी तरह अनमर्ज के लिए ऑल्ट एच एन यू है। हर चीज के आप शॉर्टकट इसी तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो ऑल्ट की के शॉर्टकट हो गए। दूसरा हो गया डायलॉग बॉक्स का। डायलॉग बॉक्स कौन से होते हैं? जैसे हम फॉर्मेट सेल का खोलते हैं, ये खोला है, इसको डायलॉग बॉक्स कहते हैं। प्रिंट प्रीव्यू में पेज सेटअप का होता है, उसको डायलॉग बॉक्स कहते हैं। ये जो पाइवट टेबल का है, इसको डायलॉग बॉक्स बोलते हैं। तो इनकी नेविगेशन अलग होती है, इनको कैसे करते हैं बताता हूँ। जैसे मैंने कंट्रोल वन करके ये खोल दिया, फॉर्मेट सेल वाला खोल दिया, या राइट क्लिक करके भी फॉर्मेट सेल का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे फॉर्मेट सेल, अब इसमें क्या कैसे करना है आपको? देखिए टैब अगर बदलने हैं तो क्या करना है? कंट्रोल को दबा के रखिए और कंट्रोल दबाए हुए ही टैब दबाइए, तो इसके टैब बदलने लग जाएंगे, फ्रंट पे चलने लग जाए। आपको रिवर्स में आना है तो कंट्रोल के साथ शिफ्ट भी दबा दीजिए और टैब दबाइए, ये वापस आना, रिवर्स में आना। अब मान लीजिए मुझे अलाइनमेंट में काम करना है, क्या काम करना है? जैसे रैप टेक्स्ट करना है, ये रैप टेक्स्ट करना है। अब इनको कैसे एक्सेस करेंगे? तो आप देख रहे होंगे हर एक ऑप्शन के नीचे कोई ना कोई कैरेक्टर अंडरलाइन में है, ठीक है। जैसे श्रिंक टू फिट के नीचे के अंडरलाइन में, रैप टेक्स्ट में डब्ल्यू अंडरलाइन में। तो अब हमें क्या करना है? ऑल्ट की को दबा के रखना है, जैसे कंट्रोल को दबा के रखते हैं ना, ऐसे ऑल्ट को दबा के रखना है इसमें, और वो अंडरलाइन कैरेक्टर दबाना है। जैसे श्रिंक टू फिट करना है
तो ऑल्ट दबा के चेक हो गया। रेड टच करना है तो ऑल्ट दबा के रखा हुआ डब्ल्यू। हॉरिजॉन्टल में जाना है तो ऑल्ट दबा के रखते हुए एच। अब ये लिस्ट खुल गई। अब लिस्ट को कैसे एक्सेस करना है? लिस्ट को क्या करेंगे, पहले तो लिस्ट के कैरेक्टर में जो फर्स्ट फर्स्ट कैरेक्टर है किसी भी वर्ड का वो प्रेस करेंगे। जैसे सेंटर में दबाया सी, टॉगल करने के लिए मोर कैरेक्टर है तो बार बार सी को दबाएंगे तो आपस में चेंज होता रहेगा। जनरल के लिए जी, लेफ्ट के लिए एल, तो फर्स्ट कैरेक्टर दबाना। ठीक है, अब आपने वो सिलेक्ट कर लिया। अब क्या करना है, सिलेक्ट करने के लिए पूरा एंटर दबाना। ये सिलेक्ट हो गया आप यहाँ पे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ओके का बटन दबाना है। ये सेटिंग अप्लाई करने के ना, या ओके के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखते हैं ग्रीन एरिया है। ग्रीन एरिया को अगर आपने एक्सेस करना है तो कैसे होगा, ये आपका एंटर पे एक्टिवेटेड रहता है ऑलरेडी। जैसे एंटर दबाएंगे ओके दबेगा। ठीक है जी, अब कैंसिल करना है तो कैंसिल हमेशा एस्केप की पे होता है, एस्केप दबाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी, इनके बीच में अगर आपने वैसे विदाउट अंडरलाइन कैरेक्टर के नेविगेट करना है तो टैब का यूज कर सकते हैं। टैब लाइन बाय लाइन आपको एक एक ऑप्शन के अंदर जा जाके दिखाएंगे। ठीक है जी, मान लीजिए टैब से चलते हुए मर्ज सेल पे आ गए, इसको एक्टिवेट करना है तो क्या करेंगे, स्पेस चेक को, स्पेस से भी हो जाता है चेक एंड चेक। ठीक है जी, तो ओके एंटर से कर देंगे। ठीक है जी, तो ये था तरीका डायलॉग बॉक्स को रन करने का। इसके अलावा तीसरी तरह का कोई शॉर्ट चौथी तरह का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। ठीक है जी, अब आपको चाहिए इतना आप मेथड जान गए, लिस्ट चाहिए शॉर्टकट, कहीं से लिस्ट मिल जाए तो मजा आ जाए। तो लिस्ट निकालने के लिए क्या कीजिए, F1 प्रेस कीजिए अपने कीबोर्ड से, यहाँ पे टाइप कर दीजिए कीबोर्ड शॉर्टकट। कीबोर्ड यहाँ पे आएगा एक्सेल शॉर्टकट एंड फंक्शन, इसको देखेंगे तो आपको हर तरह का शॉर्टकट मिल जाएगा। कंट्रोल की के साथ चलने वाले, कंट्रोल शिफ्ट के साथ चलने वाले, हर एक क्या होता है पूरा पूरा लिस्ट मिल जाएगी। बाकी मैं भी आपको जानकारी देता रहूंगा कि किस किस के लिए यूज होता है। F1 से क्या होता है, कंट्रोल F1, ऑल्ट F1, ऑल्ट शिफ्ट F1, F2 किस किस तरह से यूज होता है ये। उसके बाद एरो की का क्या क्या यूज है, सिलेक्शन कैसे करना है, ये सब इसमें दिया है। ये पूरी की पूरी लिस्ट है। ठीक है जी, एक्सेल की। अब ये सब जानने के बाद आपको एक चीज और करनी है कि आप एक्सेल पे शॉर्टकट से तो अपग्रेड हो गए, बट एक चीज अभी भी चाहिए आपको स्पीड टेस्ट करनी है, तो वो चाहिए कि आपको अपनी विंडो के शॉर्टकट्स भी जानने चाहिए, क्योंकि आपने जिस टाइम शॉर्टकट प्रैक्टिस किए थे उस टाइम XP वगैरह चल रहा होगा, तो उसके शॉर्टकट्स जो है और आपके शॉर्टकट्स में बहुत डिफरेंस है। सच एज जैसे मैं शॉर्टकट में शो डेस्कटॉप की बात करूँ, तो शो डेस्कटॉप कहाँ होता है, विंडो 7 में यहाँ होता है शो डेस्कटॉप। पर हम लोग हैबिटेट, हमें क्या हैबिट पड़ी हुई है, या तो विंडो जी दबाते हैं वही शॉर्टकट याद है। ठीक है, अब शॉर्टकट काफी कुछ चेंज हो चुका है, कुछ एडिशनल शॉर्टकट आ गए हैं। उनको निकालने के लिए आप डेस्कटॉप पे जाके F1 दबाइए और यहाँ पे कीबोर्ड शॉर्टकट वही चीज टाइप कर दीजिए। तो कीबोर्ड शॉर्टकट्स आपके इसके अंदर आ जाएंगे। अलग अलग देखने वाले क्या है, जैसे डायलॉग बॉक्स का मैंने अभी बताया कि डायलॉग बॉक्स के कैसे कैसे होता है। ठीक है जी, विंडो लोगों की के शॉर्टकट देखने लायक है, बाकी हर चीज के हैं इसमें शॉर्टकट, तो इनकी पूरी लिस्ट विंडो लोगों की के साथ बहुत सारे शॉर्टकट आए, तो इनको यूज कर सकते हैं। सपोज मैं बताता हूँ कि कौन सा नया शॉर्टकट आया है, कि जैसे कि अब मुझे यहाँ से डायरेक्ट एक्सेल खोलना है, ये एक्सेल की फाइल, तो कैसे खोलूंगा, विंडो की दबाई मैंने और यहाँ से दबाया मैंने 4, तो एक्सेल खुल गया। मान लीजिए ये वाला एक्सेल खोलना है तो विंडो के साथ 5 ये खुल गया। इंटरनेट ये गूगल का क्रोम खोलना है तो विंडो के साथ 3। ठीक है जी, मतलब जो उनसे इंडेक्स पोजीशन पे टास्क बार पे पड़ा हुआ है आप विंडो के साथ वो बटन दबाए। फर्स्ट पे जैसे गो टू मीटिंग है मेरा, सेकंड पे आउटलुक है, तो विंडो के साथ अगर मैं 2 दबाऊंगा तो आउटलुक खुल जाए।
ऐसे शॉर्टकट्स आए हैं उसको एक बार स्टडी कर लीजिए। तो कल की क्लास होगी नंबर फॉर्मेटिंग, बाकी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है जी। और आज का सेशन अगर अगर हमें इसकी नंबरिंग नहीं पता, क्या चीज सर? अगर मुझे इसकी नंबरिंग नहीं पता, अगर मुझे नंबरिंग नहीं पता तो मैं जैसे खोलना चाह रहा हूँ एक्सेल, किस एक्सेल या वो मीटिंग खोलना चाह रहा हूँ, तो मैं किस तरह करूंगा? मतलब नंबरिंग मेरे पास माउस, मेरे पास नंबरिंग नीचे से ही देख ले जी, माउस वैसे तो माउस भी नहीं, मुझे टैब भी यूज कर सकते हैं इस तरह से, ऑल्ट टैब भी यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। ओके, विंडो टैब इसमें ऐसा फीचर आया ये है, ठीक है जी। बट नंबरिंग का आसान है, नीचे से गिन के पता पड़ जाते हैं, ठीक है जी। ओके तो फिर कल मिलते हैं। कल हमारा किस चीज का लेक्चर है जी? कल किस चीज का लेक्चर होगा? कल जी होगा अपना नंबर फॉर्मेटिंग के बारे में, यहाँ जो नंबर फॉर्मेटिंग होती है इसके बारे में बताऊंगा और कस्टम फॉर्मेटिंग भी बताऊंगा, ठीक है। कोड्स क्या होते हैं इनके बारे में बताऊंगा। क्वेश्चन कंप्लीट करने के कल हो गया तो एक घंटे में वैसे थोड़ा मुश्किल होता है ये कमिट करना, ठीक है। मुझे तो सबसे मुश्किल यही पार्ट लगता है अगर एक्सेल में। नहीं नहीं इतना मुश्किल नहीं है सर, वो बस देखने में। मैंने आके अगर आगे इसको करने की क्वेश्चन मार्क किस लिए यूज होता है, जीरो किस लिए यूज होता है, तो आप समझ जाएंगे। ये तीन ही है बस, हैश, क्वेश्चन मार्क, जीरो, बस इन तीन का खेल है। ये समझ आ गया तो सब समझ आ गया, यही देख रहे हैं मोस्टली यूज हुआ, ठीक है। कुछ भी नहीं है, समझ में आ जाएगा।